पालमपुर मंडल के धरोट में नाबालिग से गैंगरेप के दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि अभी भी 3 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। हमीरपुर के पक्का भरो गांव में आक्रोशित जनता ने उद्योग मंत्री का काफिला रोक दिया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। गुस्साए ग्रामीण मंत्री विक्रम सिंह से शराब ठेकों के विरोध में बातचीत करना चाहते थे, लेकिन जब मंत्री अपने कार से नहीं उतरे तब ग्रामीण काफी उग्र हो गए। उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी की। पक्का भरो गांव में लोग शराब के ठेके के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री कुल्लू दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जिले के लिए कई सौगातें दी। बंजार प्राकृतिक अध्ययन केंद्र के लिए 3,70,00,000 और लोक भवन के लिए 30,00,000 रुपए दिए। उन्होंने पानरसा दलाशा सड़क निर्माण के लिए 20,00,000 रुपए, स्नान घाट के निर्माण के लिए 10,00,000 और बालकनाथ एवं महुनाग मंदिरों के निर्माण के लिए 5,00,000 रुपए देने की घोषणा की। कुल्लू में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस हमसे हिसाब मांग रही है, पहले वो खुद अपने भीतर झांक कर देखे। उन्होंने कांग्रेस को खुद के कार्यकाल को याद करने की नसीहत दी। सीएम ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने बहुचर्चित गुड़िया रेप एंड मर्डर कांड में गुड़िया को इंसाफ नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि अब गुड़िया केस की परतें खुल रही हैं। सचिवालय के बाहर प्रदर्शन के बाद मांगे पूरी न होने पर शनिवार को अब ट्रेनी कंडक्टरों ने विधानसभा के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। प्रशिक्षित परिचालक संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपनी जान दे देंगे। परिचालकों ने अपने लिए ठोस नीति की मांग की है। कांगड़ा के इंदौरा में अरनी यूनिवर्सिटी में 48,00,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी पर अपने ही कर्मचारियों से धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं, जिसमें कर्मचारियों ने कहा है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने मार्च 2015 से 2018 तक उनकी सैलरी से काटा प्रोविडेंट फंड उनके खाते में जमा नहीं करवाया है। शिमला के संजोली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कुछ लोगों ने सड़क पर ही गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर अपने लिए पार्किंग बना डाली है। इतना ही नहीं, कौन सी गाड़ी किस जगह पर खड़ी होगी इसके लिए भी नंबर तक मार्क कर दिए गए हैं। हाउसिंग बोर्ड में इस तरह की गुंडागर्दी और मनमानी पर प्रशासन भी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ऊना के बड़ोही के पास 2 कारों में भीषण टक्कर देखी गई। इस हादसे में गगन नाम के युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि गगन अपनी बहन की शादी के बाद उसे ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी सामने से आ रही कार से उसकी टक्कर हो गई। शनिवार को अचानक मौसम ने फिर करवट ली और हिमाचल के निचले इलाकों में तूफान के साथ बारिश देखने को मिली। इस दौरान कई किसानों के गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। मौसम के इस मिजाज ने जहां गर्मी को कंट्रोल किया, वहीं हजारों किसानों के चेहरे से खुशियां छीन ली। शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव 1 जून से 5 जून तक ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया जाएगा। इस बार फेस्टिवल में मंच पर हिमाचल के लोक कलाकारों को तवज्जो दी जाएगी, वहीं बाहरी राज्यों से भी कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। समर फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर राजधानी में तैयारियां जोरों पर हैं।